तो दोस्तों आप सबको पता है साल 2019 में आने वाला कोरोना जो है उसने लॉकडाउन लगा दिया था पूरे एक साल डेढ़ साल तक। 2020 और 2021 के शुरुआत तक हमारी ज़िंदगी लॉकडाउन में ही गुजरी थी। कहीं पर पूरा लॉकडाउन था तो कहीं पर आधा अधूरा लॉकडाउन था, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भारत में जो कोरोना की स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो काफ़ी सुधर चुकी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि चीन में अभी कोरोना की स्थिति काफ़ी भयावह है। सुनने में आया है कि एक दिन में चीन में कम से कम 3 करोड़ से ऊपर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। तो दोस्तों आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, वैक्सीन लगवा लीजिए और मास्क वगैरह ज़रूर पहनिए। तो दोस्तों सीआईडी में किसको हुआ है कोरोना या फिर होने वाला है कोरोना, तो मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई बात नहीं, सीआईडी में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है। हमारे सारे सीआईडी के स्टार्स जो सेलिब्रिटीज है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन सीआईडी में सीज़न 2 में हमें कोरोना के ऊपर एक एपिसोड देखने को मिल सकता है जहां पर सीआईडी के किसी एक को होने वाला है कोरोना। अब वो कौन है ये हमें पता चलेगा उसी एपिसोड में।